नवाबों ने बनवाया था कटोला बगान बाड़ी, और ये बगान बाड़ी जो देख रहे हैं यहाँ पे आकर के नवाब लोग जो है फल वगैरह खाया करते थे और यहाँ पे आराम फरमाया करते थे। यहाँ फल खाया करते? बिल्कुल, यहाँ पे आपको पहले ही मैंने बताया था कि 200 से ज़्यादा यहाँ मैंगो ट्री है जो कि बिल्कुल खानदानी मैंगो ट्री है, और उनंदा उनंदा जो है आम वहाँ पे मिला करता है। अब्बास नंदोते अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आप देख सकते हैं हम लोग अभी मुर्शिदाबाद के गली में हैं, और मुर्शिदाबाद में है अंजुमन अब्बासी अलमदारी, और ये टांगा गाड़ी, इससे हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम लोग जा रहे हैं काठगोला बगान बाड़ी। काठगोला बगान बाड़ी वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जरी की भी ज्यारत करवाएंगे आप सबों को। आप तक दादा ये वीडियो पहुँचता रहेगा। ये गेट आप क्या भाई, गेट का क्या नाम है? तीन कूला गेट है, ये देख सकते हैं आप, तीन कूलिया गेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब अभी हम लोग काठगोला बाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये मुर्शिदाबाद की गली फिजा में यहाँ की आज़ादारी है। आप तक इसी तरह वीडियो पहुँचाते रहेंगे। अंजुमन अब्बासी अलमदारी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और हमारे चैनल को आगे तक पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हम इसी तरह आपको आज़ादारी, मजलिस मातम और हिस्ट्रिकल प्लेस जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है वो पहुँचाते रहेंगे आप तक। वीडियो में आगे तक बने रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये काठगोला बगान बाड़ी है, इस मुर्शिदाबाद में इस्टेब्लिश है। महाराणा विजय सिंह ने इसको इस्टेब्लिश किया था मुर्शिदाबाद में, और ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसको पूरा बगीचे से यानी गार्डन से इसको घिरा हुआ है। यहाँ पे आपके कम से कम मैंगो के जो ट्री हैं, हाँ, वो 200 से ज़्यादा यहाँ ट्री मैंगो के हैं, और अदर्स जैसे लीची, साल, सगवान वगैरह भी ये भी हैं। और यहाँ पे जो हज़ारद्वारी जिन्होंने बनाया था माइकल एंजेलो, उनकी भी यहाँ पे स्टैचू है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। और ये बगल में जो है स्टैचू है ये महाराणा प्रताप की है। आम बगान पूरा भरा हुआ है। ये महाराणा प्रताप का स्टैचू है, आप देख सकते हैं। मैंगो ये पूरा मैंगो का पूरा पूरा पेड़ लगा हुआ है जी, बिल्कुल। यहाँ पे आप जितने सारे मैंगो देख रहे हैं सब जो है ये खानदानी जो मैंगो होते हैं, जैसे हिमसागर, लंगड़ा, रानी वगैरह यहाँ पे उमदा उमदा नवाबों ने लगाया था यहाँ पे, तो वो सब मैंगो ट्री यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये कम से कम 200 से ज्यादा मैंगो ट्री यहाँ पे आपको, माशाल्लाह। और अंदर चलेंगे ना, आप अंदर चलिए। देखिए यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये काठगोला बगान बाड़ी के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चार्ट आपको दिया हुआ है। यहाँ जो है आपको पैलेस म्यूजियम देखने को मिलेगा, और आपको सुरंग जो है एक सुरंग देखने को मिलेगी, और पैलेस में एक तालाब मिलेगा, पॉन्ड, जो उस जमाने का पॉन्ड है, और एक लाश महल है जो आपको देखने को मिलेगा, और एक परेशनाथ का जैन मंदिर जो है यहाँ पे वो भी आपको देखने को मिलेगा, और मुगल के जमाने की कुछ पत्थर के किए हुए जो पत्थर में कुछ काम किए हुए वो आपको नक्काशी जो है वो देखने को मिलेगा, और ऑयल पेंटिंग आपको कुछ देखने को मिलेगी जो कि उस जमाने के हाथ से पेंटिंग किए हुए, और गुलाब फूल और चिड़ियाखाना, ये दो चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। वेदर भी माशाल्लाह आज का बहुत अच्छा है घूमने लायक, जैसे मौला ने हम लोगों के लिए वेदर अच्छा बना दिया। और ये पूरे के पूरा आम का गाँच है। हाँ व्यूअर्स, पीछे जो हमारे देख रहे हैं ये जो एक स्टैचू दिखाया जा रहा है आपको,
ये जो माइकल एंजेलो के हैं, जिन्होंने हजारद्वारी का पूरा डिजाइन जो है, हमारे मुर्शिदाबाद की जो हजारद्वारी म्यूजियम है उसके डिजाइन को इन्होंने ही किया था। ये उस जमाने के सबसे बड़े आर्किटेक्चर थे। अच्छा, तो इन्होंने हजारद्वारी को डिजाइन करने के बाद जो हमारे नवाब थे फिरादुन जा, जिन्होंने बनाया था, तो उन्होंने उसके बाद इनके हाथ काट दिए थे ताकि उस जैसा हजारद्वारी का नक्शा ये और कभी ना बना पाए। इनका नाम है माइकल एंजेलो। आगे चलते हैं, यही बना दे। सुरंग दिखाएं, सुरंग सुरंग। इसके अंदर जा सके तो सुरंग है, सुरंग है, जा माने यहाँ फोटो लेना। हाँ ले लीजिए। माइकल एंजेलो। अच्छा, ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये सुरंग है। उस जमाने में यहाँ से हजारद्वारी जाने को एक जो था रोड था, रास्ता था, वो गुप्त रास्ता था। इस रास्ते से जो राजा बादशाह नवाब आना मतलब आना जाना करते थे यहाँ से, तो इसको कहते हैं सुरंग रास्ता। ठीक है, सुरंग पर ये सुरंग है, पूरा पानी का इंतजाम हुआ करता था। ठीक है, उस जमाने पूरा सारे पानी का जितना यहाँ पे कर्मचारी काम करते थे उनको पूरा यहीं से पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। ये नवाबों ने बनवाया था कटगुला बगान बाड़ी, और ये बगान बाड़ी जो देख रहे हैं यहाँ पे आकर के नवाब लोग जो है फल वगैरह खाया करते थे और यहाँ पे आराम फरमाया करते थे। यहाँ फल खाया करते? बिल्कुल, यहाँ पे आपको पहले ही मैंने बताया था कि 200 से ज्यादा यहाँ मैंगो ट्री है जो कि बिल्कुल खानदानी मैंगो ट्री है। वहाँ उनंदा उनंदा जो है आम वहाँ पे मिला करता था। एक आम गाछ है यहाँ, लेकिन आम कहाँ है? आम सब टूट गया, फसल हो गया, तो सब कहाँ गया यार। ये सादा मछली है, सफेद मछली। राजा लक्ष्मी नारायण दुग्गल साहब अपनी रानियों के साथ यहाँ आकर के बैठा करते थे। और देखिए पीछे गार्डन आपको देखने को मिलेगी, और बहुत खूबसूरत गार्डन है ये। आपको चारों साइड में यहाँ साल और सगवान के गाछ मिलेंगे जो कि ठंडे ठंडे हवा देने के लिए मशहूर है ये गाछ, और बहुत सारे ये जो है अच्छाई भी देते हैं, जो बहुत फीलिंग अच्छा होता है आपको। तो ये यहाँ पर आके आप इसको देख सकते हैं। कैदी लोग को जो यहाँ पे कोई अगर जुर्म करता था उसको फांसी कैसे दिया जाता था वो आपको दिखाते थे। देखिए अभी घेर दिया गया है इस जगह को, तो यहाँ से एक हुक हुआ करता था जी। वो कुहा है, हाँ। वो कुहा टाइप का है, उसको जो जब यहाँ पे फांसी दिया जाता था, और जब उसका एक ये लीवर होता था, लीवर को टान दिया जाता था, और जब लीवर टान दिया जाता था तो कैदी झूल जाता था वहाँ पे, गले के बल में झूल जाता था, तो उसका फिर दम निकल जाता था। तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, और दम निकल जाने के बाद उसको फिर यहाँ से जो है ले जाया जाता था, उसका अंतिम संस्कार किया जाता था।